चल पे आपका स्वागत है। तो गाइज हम पढ़ रहे हैं 30 दिन का महासंग्राम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन। तो गाइज आप हमेशा तो गाइज हर चैनल पे इजी इजी चीज बताई जा रही है और क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगेगा। मेरी ये सीरीज 30 दिन तक देखेंगे, इसमें से पूरा पेपर फंसा हुआ आएगा गारंटी से, क्योंकि मैं आपको हुक्स लॉ, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है ये नहीं बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था नॉन न्यूट्रिएंट फ्लोट के बारे में, जो पूरा एक एक टॉपिक क्लियर कर दिया था उसका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा उसमें से, और विद ट्रिक बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। इसी तरह आज मैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर कर रहा हूँ जो आते हैं एग्जाम में लेकिन हम छोड़ देते हैं या फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कितने टाइप के क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं। तो पहले मैं बता दूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या, बस थोड़ी सी डेफिनेशन बना देते हैं। तो किसी पिंड के घूर्णन दर के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध की माप, उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द मेजरमेंट ऑफ द रेसिस्टेंट टू द चेंज ऑफ रोटेशन रेट ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो गाइज ये आपको पता ही होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सही है। अब मैं क्या कहता हूँ एम क्या होता है, इसमें आई बराबर एम आर स्क्वायर इसके फॉर्मूला होता है, लेकिन या एम के स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें एम क्या होता है द्रव्यमान पिंड का, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और के क्या होता है अपनी घूर्णन त्रिज्या या रेडियस ऑफ जायरेशन। अब ये हो गया हमारा, लेकिन आता क्या है क्वेश्चन कि डिस्क का क्या होगा। तो आज मैं सारे तरह के जो भी आते हैं क्वेश्चन वो करा रहा हूँ मैं, तो देखते रहिए पूरा वीडियो देखना। और ये बता दूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे लिंक है एक मैकेनिकल ग्रुप का, उससे जुड़ जाएं, वरना बाद में आप स्किप कर देते हैं वीडियो या लास्ट तक नहीं पहुँचते। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला अपना आई जी इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सब बताऊँगा मैं, चिंता मत करिए। आई जी इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ये किसका होता है, एक पतले डिस्क गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले और इसके सतह के लंबवत जड़ता हूँ, यानी ये डिस्क का एक तरह से आप बोल सकते हैं जड़त आघूर्ण होता है या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन डिस्क। तो डिस्क कब आए तो आप ये मार देना। अगला क्या है, अगला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई फोर, या तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं या अपनी कॉपी पे लिखते जाएं, सही है। तो ये है एक पतले डिस्क का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ये भी डिस्क का है लेकिन ये है व्यास के यानी डायमीटर के, समझ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन डिस्क अबाउट अ डायमीटर, यानी डायमीटर के अबाउट है। तो आपको सब पता होना चाहिए, जो अपना गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली जो लंबवत होगा तो होगा एम आर स्क्वायर बाई टू, और अगर डिस्क का उसका होगा डायमीटर के सापेक्ष तो होगा अपना एम आर स्क्वायर बाई फोर, सही है। दो क्लियर हो गए। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरे का क्या है आई जी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई ट्वेल्व, ये किसका होता है, ये होता है एक पतले रॉड का उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली और उसकी लंबाई के लंबवत जड़त्व आघूर्ण। आई समझ में, एक एक पॉइंट एक एक लफ्ज पे ध्यान दीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ ए थिन रॉड, ऑफ ए थिन रॉड, रॉड का तो होता ही है लेकिन अबाउट इट एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द, यानी जो परपेंडिकुलर टू द है, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इस लेंथ के जो परपेंडिकुलर है उसके सापेक्ष एक थिन रॉड का जड़त्व आघूर्ण है एम आर स्क्वायर बाई ट्वेल्व, सही है। क्योंकि वहाँ रॉड है तो वहाँ एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि एम आर स्क्वायर बाई ट्वेल्व, क्योंकि लेंथ एल से लेंथ होती है, सही है। आर त्रिज्या को कहते हैं या फिर रेडियस को कहते हैं। अगला क्या है अपना, अगला है अपना आई पी इक्वल टू, देखिए पी पहले से ही मैं डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ये किसका होता है, ये होता है रॉड के एक सिरे के समांतर, यानी ये पैरेलल का है, वो लंबवत था वो अपना परपेंडिकुलर का था, ये पैरेलल का है। पैरेलल में क्या होगा, रॉड के एक सिरे के समांतर गुजरने वाली परत है जड़त आघूर्ण, आई समझ में, यानी आपको एक ये देखिए लंबवत का है और एक पैरेलल का है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी। लंबवत का क्या होगा, एक ये लंबवत का है, ये पैरेलल का है, ये रॉड का है, यानी रॉड का ये दोनों, तो भैया पैर लंबवत का क्या होता है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, और अपना पैरेलल का क्या होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री, बस
सही है, पैरेलल है तो 3 आ जाएगा नीचे, और लंबा बता या फिर परपेंडिकुलर है 12 आ जाएगा रॉड का, सही है। अगला क्या अपना, अगला है एक आयताकार भाग का, यानी जब आयताकार होती है तो इसमें क्या होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया या जड़ भाग हूँ, तो इसका एक आई एक्स एक्स के सापेक्ष होगा, एक आई वाई वाई के होगा, सही है। ये ऊपर ऊपर वाली जो होती है एक्स एक्स, ये है एक्स एक्स और ये ऊपर है वाई वाई, तो एक्स एक्स के सापेक्ष क्या होगा, तो एक्स एक्स के होगा बी डी क्यू अपन 12, और वाई वाई के यानी वाई वाई जो होती है इसके क्या होगा डी बी क्यू अपॉन 12, सही है। यानी पहले यहाँ बी बी ले लेंगे फिर डी ले लेंगे, सही है, जहाँ अपनी ये बी होती है नीचे और ऊपर वाली डी होती है, ये डी होती है, तो ये तो सबको पता ही होगा आई थिंक। और ऐसी इसमें आ जाएगा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगला है अपना आई एक्स एक्स बोल दो या आई बाई बाई बोल दो, इसमें सेम होता है, ये है अपना सर्कल का, इसका होता है पाई डी फोर अपॉन 64, सही है, तो ये होता है अपना सर्कल का। इसमें तो एक्स एक्स बाई बाई तो एक ही होते हैं ना, तो पाई डी फोर अपॉन 64 सर्कल का हो गया। और अगर यही खोखला सर्कल कहते तो डी की जगह डी माइनस डी हो जाता है, यानी डी फोर माइनस डी फोर स्मॉल डी फोर, सही है, और ये आ जाएगा। अगला क्या है अपना बी एच आई जी, तो अगला मोमेंट क्या है अपना मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ये अपना लेंगे त्रिभुज का या ट्रायंगल का, तो इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे भाई जब सबके हो रहे हैं, तो एक तो पैरेलल का होगा और एक का आधार के सापेक्ष, यानी आधार के पैरेलल हो गया और ये आधार के सापेक्ष हो गया। तो देखो आधार के पैरेलल होगा, यानी इसके पैरेलल होगा, तो हो जाएगा बी एच क्यू अपॉन 36, और यदि आधार के सापेक्ष होगा या मोमेंट ऑफ इनर्जिया ऑफ इट्स बेस, यानी बेस पे ही होगा, बेस के सापेक्ष ले रहे होंगे, एक बेस के पैरेलल हो गया, एक बेस के ही सापेक्ष ले रहे हैं, तो इसका हो जाएगा बी एच क्यू, बहुत माइनर मिस्टेक होती है इसमें, 12, सही है। तो फिर से बता देता हूँ, जो ट्रायंगल का होता है ये होता है एक पैरेलल आधार के यानी बेस के पैरेलल, एक होता है बेस के सापेक्ष यानी रिलेवेंट टू इट्स बेस, सही है। तो इसका बस आपको याद रखना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, पैरेलल आ जाए वर्ड तो आपको लिख देना है बी एच क्यू अपॉन 12, सॉरी बी एच क्यू अपॉन 36। देखिए अभी मैं एक मिनट में कंफ्यूज हो गया, और बेस हो जाए, बेस के सापेक्ष क्या होगा यानी रिलेवेंट टू एज बेस, तो बी एच क्यू अपॉन 12, आगे समझ में, कॉपी पे लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। ये सिर्फ हमारी सीरीज जल्दी जल्दी यूँ हो रही है, इसके बाद मैं फुल कोर्स लाऊंगा, लेकिन अभी SSC का पेपर आने वाला है, इसलिए मैं स्पीड से आपको सिर्फ ध्यान दिला रहा हूँ, एक तरह से रिवीजन सीरीज है ये अपनी। अगला क्या अपना आई इक्वल टू 2/3 mr², अब 2/3 mr² किसका होगा, तो ये होगा एक पतले गोलीय खोल का इसके ब्यास के सापेक्ष, सही है। तो ये देखिए एक यानी स्पेयर का आइए, तो स्पेयर कहीं भी आ जाए आपको 2/3 mr² मार के आ जाना है, बस इसमें ब्यास ही होगा, इसमें कौन सा लंबाई चौड़ाई होगी, इसमें तो ब्यास ही होगा, तो इसका क्या हो गया 2/3 mr² हो गया, 2/3 mr². अब अगला क्या है अपना, अब गोला, पतला गोली खोलता वो, यह है एक गोला यानी पूरा स्पेयर जो होता है कि स्पर्श अक्ष के सापेक्ष, ओ माय गॉड, इस पर यानी इसमें भी आपके दो भागों में बट गया, एक तो 2/3 mr² बटा था, एक हो गया अपना 7/5 mr², सही है। तो ये होगा अपना ब्यास के सापेक्ष और ये होगा अपना एक स्पर्शीय अक्ष के सापेक्ष, यानी रिलेटिव टू डायमीटर,
तो स्पर्शीय अक्ष बोल दो या रिलेटिव टू डायमीटर बोल दो, इसके सापेक्ष। तो ये हो गया 7/5 एम आर स्क्वायर, ये हो गया 2/3 एम आर स्क्वायर, सही है। तो एक बार रिवीजन करा दूंगा एंड में, आप बस इसका अपने लिखते जाइए, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर फंस जाता है। अगला क्या अपना, ठोस गोला। तो ठोस गोले का क्या होगा, आई कल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, बस इसका इतना याद रखें। आई कल टू गोले का जो होता है यानी सॉलिड स्फीयर जो होता है इंग्लिश में, उसका 2/5 एम आर स्क्वायर। अब अगला आ गया अपना सिलेंडर का, सिलेंडर का भी होगा, सिलेंडर का क्या हो गया अपना, सॉलिड सिलेंडर, बस इसमें भी एक ही है, इसमें भी दो नहीं है, जिसमें दो है उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसका होता है आई कल टू माइनस का 1/2 एम आर स्क्वायर, सही है। अगला क्या अपना, शंकु, बस एक और देख लो, लास्ट शंकु बचा है बस लास्ट। तो शंकु का क्या होता है अपना, शंकु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोन। तो इसका क्या होगा, 3/10 एम आर स्क्वायर, आगे समझ में, 3/10 एम आर स्क्वायर। तो ये गाइस जितने भी आते हैं इनमें से एक जरूर आता है, वो मैंने सारे करा दिए हैं। और अब मैं इसका तुरंत, आप चलो खुद ही कर लीजिए, एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ किसका क्या होता है 2 मिनट में। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने नीचे मैकेनिकल ट्रिक और ये 30 दिन का चल रहा है उसे ज़रूर देख लेना, और मैंने 100 मॉक टेस्ट दिए हैं, उसके एनालिसिस क्वेश्चन भी कराए हैं जो कि 1820 क्वेश्चन है, वो कर लेंगे और ये 30 दिन का महासंग्राम कर लेंगे जो चल रहा है, तो फिर आपको टेक्निकल में कोई नहीं रोक सकता। इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब 8-10 महीने की मेहनत मैंने आपको सब फ्री में दे रहा हूँ। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसे पूरे क्वेश्चन देख डालिए, सही है। और नीचे मैकेनिकल ग्रुप है ही अपना, उससे जुड़ जाइए। अब इसका रिवीजन करा रहा हूँ मैं, देखिए क्या क्या आया। पहला अपना आया था डिस्क, पहली अपनी आई थी डिस्क आई थी, डिस्क को भी 2 भागों में बांट दो, डिस्क 2 भागों में बटी थी, एक होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, एक होता है एम आर स्क्वायर बाई 4। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 कहाँ होता है और एम आर स्क्वायर बाई 4 कहाँ होता है, बस सापेक्ष देख लेना। ये होता है भैया लंबवत पे, ये होता है पैरेलल पे, है ना, ये होता है अपना परपेंडिकुलर पे, ये होता है पैरेलल पे, सिंपल है। अगला क्या है, अगला मैंने बताया था आपको डिस्क का हो गया अपना काम खत्म। अब अगला मैंने बताया था आपको रॉड, यानी एक थिन रॉड, थिन लगाओ मत लगाओ लेकिन रॉड जो है इसे भी टू टाइप में बांट लो। एक होता है एम आर स्क्वायर बाई 12, एक होता है एम आर स्क्वायर बाई 3। लेकिन यहाँ आर बोलते नहीं है तो मैंने एल बता दिया था, क्योंकि रॉड में एल होती है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 एम एल स्क्वायर बाई 3। तो इसमें क्या करेंगे, एम एल स्क्वायर बाई 12 कहाँ पर है, एम एल स्क्वायर बाई 12 है अपना, ये भी सिंपल है, जहाँ परपेंडिकुलर हो और जहाँ पैरेलल हो, जहाँ परपेंडिकुलर हो वहाँ 12 और जहाँ पैरेलल हो वहाँ 3 नीचे, बस इतना याद रखना है। अगला क्या अपना, अगला मैंने बताया था आयताकार, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें एक्स एक्स के लेते हैं, वाई वाई के लेते हैं, तो आई एक्स एक्स हो गया अपना बी डी क्यू अपॉन 12 और आई वाई वाई हो गया डी बी क्यू अपॉन 12। यानी बी ले लेंगे, ये डी होता है, सही है। तो भाई अगला आ गया अपना सर्कल, सर्कल का क्या होता है, पाई डी 4/64, इसमें तो कुछ है नहीं दिक्कत, चाहे आई एक्स एक्स हो चाहे आई बाई बाई हो। उससे अगला क्या आ गया अपना, इससे अगला आ गया अपना ट्रायंगल, ट्रायंगल ही बहुत इजी है, ट्रायंगल में भी कुछ नहीं है, इसे भी 2 पार्ट में बांट लो, एक होता है अपना बी एच क्यू अपॉन 36, एक होता है अपना बी एच क्यू अपॉन 12, बस सिंपल था। आइए बी एच क्यू अपॉन 36 कहाँ होगा,
ये आधार के पैरेलल होगा, ये आधार के सापेक्ष होगा, यानी ये आधार के यानी बेस के पैरेलल, ये बेस के रिलेटिव, सही है। और अगला क्या है अपना, देखिए अगला क्या है अपना, गोला। गोले का क्या है अपना, 2/3 mr², 2/3 mr², और गोले को भी दो भाग में बांट लो। गोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंफ्यूजन है और कुछ ना है, गोले को दो भाग में बांट लो, एक हो गया 2/3 mr². देखिए गोले से पहले आप एक सिलेंडर का देख लो, गोले में दिक्कत ज़्यादा पड़ रही है, कंफ्यूजन कर रहे हैं पूरा गोला सबको। तो इसका 1/2 mr² हो जाता है, यानी mr² / 2, लेकिन ये माइनस का होता है सिलेंडर का समझ। अब गोले को मैं समझाता हूँ, गोले को हम गोला मतलब सॉलिड, तो गोले ये मतलब सॉलिड, सही है। सॉलिड का पहले जो ठोस सॉलिड होता है, सही है, यानी सॉलिड स्फीयर, यानी जो ठोस वाला होता है, सॉलिड वाले की बात हो रही है, उसका 2/5 mr² ये आता है, यहाँ माइनस और लगा दो सब में। अब बचे हैं दो गोले और, यानी एक पतला गोली है खोल, यानी वो खोल की बात कर रहा है, और एक गोले का स्पर्शी अक्ष के सापेक्ष। तो अब दो में और बांट दो बस, जो स्पेयर है अपना, जो खोल आएगा अपना, तो पतली गोली खोल जो आएगा, यानी इंग्लिश में जैसे कहते हैं एक थिन स्पेयर बोल दो, कुछ ही बोल दो, सेल बोल दो, थिन सेल बोल दो, कुछ ही बोल दो, जो इसका हो जाता है अपना 2/3 mr², और एक स्पर्शी अक्ष के सापेक्ष, जो स्पर्शी अक्ष के सापेक्ष है उसका हो जाएगा 7/5 mr². तो आप मेरी माने तो पहले बाकी याद कर लें, गोले का आराम से लिख के देखें, आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्सिया, अब अगला अपनी कड़ी आएगी, जो भी आएगी लेकिन इम्पोर्टेंट आएगी, और मैं सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ SSC JEE को लेकर, जिसमें आपके फंसाने वाले क्वेश्चन इनसे ही आपका स्कोर बढ़ेगा, बाकी तो सब कर ही देते हैं, इजी इजी सब छोड़ दो, मतलब आते ही हैं। इस समय रिवीजन करना है इन चीज़ों का जो हमारे क्वेश्चन अटकाते हैं। तो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब कुछ करें रिवीजन एंड में, इजी हार्ड कुछ नहीं होता, सब कुछ करना है जो रिलेवेंट है अपना। इस समय रिवीजन पे पूरा ध्यान दें, इसलिए मैं भी पूरा रिवीजन करा रहा हूँ आपको। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, इंपॉर्टेंट आता रहेगा ऐसी लेक्चर में आपके लिए मिलता रहेगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, जो भी बात है अपनी कमेंट में कह सकते हैं। थैंक यू, बाय।